हंसा जोशी जी उपाध्यक्ष, नवल किशोर तिवारी जी सचिव, कोषाध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी जी, हेम पंत जी, गीता चंद जी कार्यक्रम संयोजक एवं हमारे जनसार संचालन करने वाले हमारे यहाँ के हमारे जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के श्री निर्मल जी, बाहर से आए हुए हमारे श्री जिन्होंने इस पुस्तक मेले को आयोजन करने में अपना बहुत योगदान दिया है, श्री देवेंद्र मेवाड़ी जी हमारे सिने अभिनेता और यही पिथौरागढ़ के रहने वाले हमारे भाई श्री हेमंत पांडे जी, श्री चंद्रकांत जी और देवा भट्ट जी, जेसी भट्ट जी, डॉक्टर जेसी भट्ट जी, किरोला जी, गीता किरोला जी, सरस्वती कोहली जी, कैलाश कुमार जी, उमेश पंत जी, राजेश भट्ट जी, गुंजन कपड़िया जी, चंद्रशेखर करवेती जी, श्री गणेश जोशी जी, हमारे पिथौरागढ़ के श्री हेम पंत जी, हमारे सभी यहाँ पर आए हुए अतिथिगण, सभी कार्यक्रम को आयोजन करवाने में जिन्होंने अपना योगदान दिया है, सभी हमारे दीदी यहाँ के चेयरमैन, हमारी हमारे बिटिन भाई बनबसा के चेयरमैन जी, हेमा जोशी जी, तमाम सारे हमारे सभी नेतागण जो इस कार्यक्रम में पधारे हैं, मैं सबसे पहले और निमित्त कार्यक्रम आयोजित किया गया है, हमारे सभी मेरे प्यारे प्यारे छात्र छात्राएं, प्यारे बच्चे, हमारे नौजवान, बड़े बुजुर्ग उपस्थित, माताएं बहनें, पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, मैं सबसे पहले तो आप सबको बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि यहां पर एक शानदार काम, मेरे ख्याल से अभी मेवाड़ी जी मुझे कह रहे थे कि ये यहां का इतिहास बन गया और ऐतिहासिक काम करने के लिए मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये जो पुस्तकें हैं, ये पुस्तकें जहां हमारे दिमाग की खुराक देती हैं, इनको पढ़ने से दिमाग को खुराक मिलती है, दिमाग का पोषण होता है, बुद्धि का पोषण होता है, लगातार तमाम प्रकार की चीजें हमारे चिंतन में आती हैं, जानकारियां आती हैं, दुनिया के शोध आते हैं, दुनिया के किए हुए काम आते हैं, साहित्यों के द्वारा, साहित्यकारों के द्वारा रचित साहित्य समझ में आता है, वहीं हमारे जो कवि लोग हैं उनके द्वारा रचित कविताएं भी आती हैं। तो निश्चित रूप से ये एक शानदार कार्यक्रम किताब कौथिक का एक नया विचार है, जिसके द्वारा हमें पढ़ने लिखने की संस्कृति के साथ साथ अपनी विशिष्ट पहचान को एक नया आयाम देने का भी प्रयास किया गया है। और इस दो दिन के कार्यक्रम में साहित्य, गीत, संगीत, पर्यटन और सामाजिक चिंतन पर एक दीर्घकालीन जो लंबे समय तक चलेगा उस कार्य की शुरुआत हुई है। और ये इसका जो आज यहाँ पर काम ये शुरू हुआ है, यह काम अन्य जगह पर भी चलेगा, लेकिन सबसे पहले अगर कहीं का नाम लिया जाएगा तो टनकपुर का लिया जाएगा। इस तरह के आयोजन उत्तराखंड के जो हमारे छोटे शहर हैं, कस्बे हैं, उनमें अगर लगातार होता रहे तो निश्चित रूप से नई नई किताबें मिलेंगी, नए नए काव्य मिलेंगे, साहित्य मिलेंगे, तमाम प्रकार की जानकारियां मिलेंगी, इससे नई पीढ़ी का जो है ठीक प्रकार से उनको आगे किस प्रकार से बढ़ना है, किस प्रकार के काम करने हैं, किस प्रकार के महापुरुषों के जीवन का अनुसरण करना है, उनका ठीक प्रकार से मार्गदर्शन होगा, उनको प्रेरणा मिलेगी। ये एक बहुत ही मैं कहूं कि अभिनव ये पहल है। देश के विभिन्न शहरों से आए हुए साहित्यकार, ट्रैवल ब्लॉगर, वैज्ञानिक कलाकार, जब निश्चित रूप से टनकपुर शहर से वापस जाएंगे तो वह टनकपुर जो हमारा जहां माँ शारदा का ये विशाल आंगन है, पूर्णागिरी मैया का ये स्थान है,
पूर्णागिरी मैया का आशीर्वाद है। और ये अपने आप में भारत नेपाल सीमा पर स्थित यह स्थान भी है जो सीमांत के रूप में जाना जाता है। आप सभी को जो हमारे प्रतिनिधिगण यहाँ आए हैं, देश भर से आए हुए, अनेकों स्थानों से आए हुए, वो सभी के सभी लोग जाकर कहीं न कहीं टनकपुर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करेंगे। मुझे पूरी आशा है कि यहाँ के सारी जो स्थानीय चीजें हैं, यहाँ के उत्पाद हैं, यहाँ की विशेषताएं हैं, उन सभी को देश के अंदर ले जाने का काम करेंगे। आज चूंकि आज एक महत्वपूर्ण दिन भी है जहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, हम सब के गौरव, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य का गठन अपने प्रधानमंत्री काल में किया था, सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी, आज उनका जन्मदिवस भी है। और आज उनके जन्मदिवस के अवसर पर भी मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि वो स्वयं एक कवि थे, ओजस्वी वक्ता थे, उनके कारण से हमारे देश को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र होने का गौरव अगर किसी के समय पर प्राप्त हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पर प्राप्त हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी मैं बहुत स्मरण करना चाहता हूं, उनको भावांजलि देना चाहता हूं कि उन्होंने पूरे भारत के अंदर अपने कालखंड में सुशासन का कालखंड स्थापित किया और अनेकों अलग अलग प्रकार के लोगों को साथ में लेकर सरकार चलाने का एक अभिनव काम उनके समय में हुआ। अनेक प्रकार की योजनाएं, आज प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना PMGSY अगर किसी के समय में प्रारंभ हुई, जिसके कारण से उत्तराखंड के अंदर और पूरे देश के अंदर कायाकल्प हुआ, तो वो योजना हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में हुई। और कारगिल का युद्ध उन्हीं के समय में हुआ, जो युद्ध सेना ने युद्ध के मैदान में भी जीता और समझौते की मेज पर भी वो युद्ध जीता। पहली बार ऐसा हुआ कि जितने भी हमारे उस कारगिल के युद्ध में शहीद हुए सैनिक, उनका पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके गांव में ले जाकर उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया की गई, राजकीय सम्मान के साथ वह प्रक्रिया संपन्न करवाने का काम भी अगर किसी के समय में हुआ कि कोई सैनिक देश के किसी भी कोने में कहीं भी देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए अगर अपने प्राणों का बलिदान करेंगे, उनका बलिदान होगा, उनकी शहादत होगी, तो उनका राजकीय सम्मान उनके पैतृक क्षेत्रों में जाकर, उनके ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर, उनके मूल निवासों पर जाकर होगी। इसकी शुरुआत करवाने का काम भी किसी ने किया था तो भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। मैं उनका बहुत स्मरण करता हूँ। और आज क्रिसमस भी है, आज मैं क्रिसमस के दिन पर आप सभी को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, उनका भी आज जन्मदिवस है, उनको भी नमन करते हुए और इस भव्य आयोजन के लिए जिला प्रशासन एवं तुरंतपुर पुस्तक मेला समिति का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि ये मेला आज यहाँ से एक शुरुआत हुई है, ये निरंतर चलता रहे, यही नहीं अन्य शहरों में, कस्बों में भी इस प्रकार के मेले होते रहे, जिससे निश्चित रूप से हमारी भावी पीढ़ी का मार्गदर्शन होता रहेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। और साथ ही